मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के एपिसोड में इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के संबंध में बतला रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1960 चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में उन इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल है जहाँ कर्मकारों की संख्या अर्थात वर्कमैन की संख्या 100 या उससे अधिक है। 99 वर्कर्स तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के प्रोविजंस श्रमिकों पर एप्लीकेबल होते हैं। औद्योगिक संबंध अधिनियम का मुख्य प्रयोजन नियोजक तथा कर्मकारों के मध्य अच्छे रिलेशन बनाना तथा समझौता आदि को लागू करना होता है। औद्योगिक संबंध अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में स्थिति यह है कि इस अधिनियम का नाम औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 है। यह उन फैक्ट्रीज पर जिनमें वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात, विद्युत सामग्री, शक्कर तथा जिलेटिन, चावल मिल, तेल मिल आदि, सीमेंट, चूना उद्योग, एस्बेस्टस, कागज, लोक वाहन, राज्य सरकार के किसी भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, ग्लास, स्टार्च, सिरेमिक्स, केमिकल आदि पर इसके प्रावधान लागू होते हैं, लेदर, फर्टिलाइजर वगैरह। मित्रों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या जहां आवश्यक समझे राज्य सरकार की राजपत्र में अधिसूचना द्वारा श्रम न्यायालय को स्थापित करती है। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसने 5 वर्ष तक या तो किसी न्यायालय में वकालत की है अथवा ऐसा व्यक्ति जो लेबर ऑफिसर के रूप में जिसे लॉ का ज्ञान हो, विधि व्यवसाय ना भी रहा हो लेकिन LLB वगैरह पास की हो तो 5 ईयर्स तक लॉ ऑफिसर काम करने वाले व्यक्ति को भी धारा 8 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। या भारत के किसी न्यायालय में 3 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने न्यायिक कार्य किया हो, पीठासीन अधिकारी रहा हो, उसे भी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। धारा 8 ए में एडिशनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान है। यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए एडिशनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति आवश्यक है तो राज्य सरकार अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति कर सकती है। धारा 9 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य के जितने भी श्रम न्यायालय होंगे उनमें अपील तथा धारा 67 के अंतर्गत पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंट के रूप में राज्य में एक औद्योगिक न्यायालय की स्थापना होगी जिसमें एक अध्यक्ष, 2 या 2 से अधिक सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति जो किसी माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है या 3 वर्ष का श्रमायुक्त रहा हो या राजस्व मंडल का अध्यक्ष या सदस्य रहा हो या पीठासीन अधिकारी के रूप में श्रम न्यायालय में 7 वर्ष तक सदस्य के रूप में रहा हो, ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। जहां तक सदस्य का प्रश्न है, सदस्य के लिए यह अर्हता रखी गई है कि वह व्यक्ति या तो माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद औद्योगिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो या कम से कम जिला न्यायाधीश के रूप में 3 वर्ष की सेवा की हो या 7 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने सदस्य के रूप में कार्य किया हो। इस प्रकार सदस्य औद्योगिक न्यायालय की नियुक्ति की जाएगी। औद्योगिक न्यायालय के लिए फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस रूल्स का निर्माण किया जाएगा जिनमें अध्यक्ष तथा सदस्य से मिली हुई पीठ डिवीजन बेंच के रूप में उन मामलों की सुनवाई करेंगे जो मामले इस नियम के अंतर्गत सुने जाने योग्य होते हैं, जैसे 3 माह से अधिक सजा वाले मामले आपराधिक प्रकरणों के, उसके अलावा ऐसे मामले जिनमें डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई किया जाना
आवश्यक होता है उन मामलों में डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। यदि किसी मामले में डिवीजन बेंच के सदस्य और अध्यक्ष के अभिमत में कोई भिन्नता होती है तो उस मामले की सुनवाई अन्य बेंच द्वारा की जाएगी। इस प्रकार डिवीजन बेंच के मामले में सुनवाई डिवीजन बेंच के समक्ष की जाएगी। धारा 29 में यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी विधि व्यवसायी श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायालय के समक्ष धारा 29(2) का आवेदन लगाकर वह किसी मामले में न्यायालय की इजाजत से पैरवी कर सकता है। धारा 34 में यह बतलाया गया है कि नियोक्ता द्वारा अवैध तब्दीली नहीं की जाएगी। तब्दीली किए जाने की दशा में 72 घंटे के अंदर उसको श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। इस प्रकार धारा 51 एवं 52 में ऐसे मामले जिनमें सरकार को यह लगता है कि श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायालय के समक्ष विवाद को संदर्भित किया जाना आवश्यक है तथा उन मामलों को रेफरेंस के द्वारा श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय को भेजा जाएगा। धारा 61 में श्रम न्यायालय की शक्तियों का बताया गया है, जिसमें धारा 31 कोष्टक में 3 के अंतर्गत आने वाले मामले जो श्रमिकों की सेवा से संबंधित होते हैं की सुनवाई श्रम न्यायालय द्वारा की जाती है। इनमें कार्य के संबंध में उनके घंटे, मजदूरी, ओवर टाइम, टर्मिनेशन, डिसमिसल तथा अन्य मामले जो श्रमिकों की सेवा शर्तों से संबंधित हैं की सुनवाई श्रम न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए गुण दोष पर की जाती है। इसमें मुख्य प्रावधान यह है कि श्रमिक तथा उसका प्रतिनिधि एक साधारण कागज पर भी बिना कोर्ट फीस के अपने आवेदन को श्रम न्यायालय के समक्ष लगा सकता है तथा बिना अधिवक्ता या आवश्यक होने पर 29(2) के प्रावधान के तहत श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय की अनुमति के पश्चात अपने विधि सलाहकार को भी उपस्थित रख सकता है। इसी प्रकार धारा 64(क) में औद्योगिक न्यायालय और श्रम न्यायालय को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, जिसमें यदि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यवाही किया जाना आवश्यक होता है तो धारा 64(क) के तहत औद्योगिक संबंध अधिनियम के तहत औद्योगिक न्यायालय और श्रम न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति दी गई है। वह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि के प्रावधानों के तहत आवश्यक कदम उठा सकते हैं। धारा 65 में औद्योगिक न्यायालय के समक्ष श्रम न्यायालय के आदेशों की अपीलें या इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की अपील संबंधी प्रावधान रखा गया है, जिसमें 30 दिवस के अंदर अपील प्रस्तुत करनी होती है। किसी विलंब का कारण सद्भाविक होने के आधार पर या 30 दिवस की अवधि में औद्योगिक न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई में विलंब को क्षमा करते हुए छूट भी दी जा सकती है। धारा 71 में पुनर्विलोकन या रिव्यू बतलाया गया है, जिसमें श्रम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध जो आदेश औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिया जाता है, यदि औद्योगिक न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी पक्षकार के आवेदन पर या ऐसे मामले में अपने आदेश विनिश्चय या अधिनिर्णय को वह विधिक रूप से 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत होने पर पुनर्विलोकन के जो ग्राउंड्स हैं उसके तहत आदेश 47 CPC के तहत यदि आवश्यक समझता है तो पुनर्विलोकन कर सकता है। इसी प्रकार धारा 70 में ये प्रावधान है कि विधि के प्रश्न या अधिनियम के अंतर्गत कोई मामले में रेफरेंस किया जाना आवश्यक समझता है तो वह माननीय उच्च न्यायालय को विधि के प्रश्न के संबंध में उस मामले को रेफर कर सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि शपथ पत्र तथा सबूत तथ्यों के सबूत के लिए वह एविडेंस ले सकता है, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवस्था कर सकता है, साक्षियों की परीक्षा कर सकते हैं,
किसी भी कार्यवाही के पक्षकारों को उपस्थित करा सकते हैं, पोस्ट आदि किस पक्षकार पर लगाई जानी है इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, किसी श्रम न्यायालय के समक्ष की गई कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाही माना गया है, इस प्रकार विनिश्चय की जो अंतिमता फाइनलिटी होगी उस के संबंध में यह व्यवस्था दी गई किसी सिविल या दंड न्यायालय में इन आदेशों को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। जहां तक श्रम न्यायालय के समक्ष प्रकरणों की सुनवाई की समय सीमा का प्रश्न है, श्रम न्यायालय के समक्ष 180 दिन अर्थात 6 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होना चाहिए, जबकि अपीलीय न्यायालय औद्योगिक न्यायालय के समक्ष इन प्रकरणों की सुनवाई की समय सीमा 90 दिवस दी गई है। यदि किसी कारण से निश्चित समय सीमा के अंदर मामले की सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाती है तो श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अथवा औद्योगिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उन कारणों को आदेशिका में उल्लेखित करते हुए मामले को आगे बढ़ा सकता है। इसी प्रकार धारा 80 में अवैध तालाबंद हड़ताल और तालाबंदियों संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किसी प्रकार की इलीगल स्ट्राइक होने की दशा में प्राइमा फेसी यदि श्रम न्यायालय को यह लगता है कि हड़ताल अवैध है तो वह स्थगन प्रदान कर सकता है। धारा 84 में कर्मचारियों को कतिपय मामले में संरक्षण दिया गया है। यदि न्यायालय औद्योगिक न्यायालय को प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि सेवन मुक्ति या पदोच्युति प्रथम दृष्टया न्यायोचित नहीं थी तो वह मामले में औसत वेतन के आधे को प्रकरण के गुणदोष के निराकरण तक सबसिस्टेंस यानी निर्वाह भत्ते के रूप में उस कर्मचारी को दिलावेगा। धारा 65 कोष्टक में 3 में यह प्रावधान है कि जो वेतन अंतिम आहरित कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहते तक उस कर्मचारी को यदि रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर किया गया है और उसकी अपील का निराकरण गुणदोष के आधार पर होना है तो उसे 65(3) के कंप्लायंस अर्थात तब तक अंतिम वेतन के रूप में मिलने वाली राशि का भुगतान अपील के निराकरण तक उसे किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार धारा 107 में श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायालय द्वारा स्थगन के संबंध में भी व्यवस्था दी गई है। यदि प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रबल है, सुविधा संतुलन उस पक्ष के पक्ष में है तथा आपूर्ति में क्षति जैसे प्रबल तत्व विद्यमान है तो किसी भी विषय वस्तु पर अंतरिम आदेश पारित करने की श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। इसी प्रकार धारा 107 क में अत्यधिक पावर्स सेवा मुक्ति और पदच्युति की दशा में समुचित अंकुश दिए जाने के श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय को दिए गए, जिसमें प्राइमा फेसी यदि डिसमिसल अथवा टर्मिनेशन इलीगल प्रतीत होता है तो इंक्वायरी अर्थात गृह जांच करके यदि श्रमिक को निकाला गया है तो उन पेपर्स का अवलोकन करने के पश्चात क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अर्थात दंड जो सेवच्युति या पदच्युति अथवा अन्य कोई दंड है उसमें हस्तक्षेप करते हुए श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय अभिलेख अर्थात गृह जांच के दस्तावेजों के आधार पर दंडादेश में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। धारा 108 में इस अधिनियम के अधीन शुद्ध रकम की वसूली संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत ही वसूल राशि की जाएगी। यह राशि खर्चों या पूर्व प्रभावी मजदूरी बैक वेजेस या निर्वाह भत्ते आदि की राशि हो सकती है। इस प्रकार कुल मिलाकर औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधान श्रमिकों के हित में है तथा इसमें एक पक्ष अत्यंत कमजोर जो श्रमिक के रूप में होता है तथा द्वितीय पक्ष नियोक्ता जो सबल पक्ष के रूप में होता है, देयर इज ए फाइट बिटवीन टू थोरली अनइक्वल्स मतलब अपोजिट पोल्स की तरह जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, एक श्रमिक और मैनेजमेंट की स्थिति रहती है, उनके संबंधों में किसी प्रकार का आपस में बिगड़ाव ना हो, श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं कार्य के दौरान सभी समुचित रूप से मिलती रहें, इस उद्देश्य से औद्योगिक संबंध अधिनियम में संबंधों को नियमित किया गया है तथा समझौते आदि की कार्यवाही को रखा गया है और इसी उद्देश्य से श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायालय की राज्य में स्थापना की गई है। धन्यवाद।